हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं करेंट अफेयर्स, जो कि हम लोग डेली बेसिस में देखते हैं। तो आज है 8 जनवरी, तो हम लोग देखेंगे 8 जनवरी का करेंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 8 जनवरी का करेंट अफेयर। यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, निर्भया के दोषियों को किस दिन फांसी दिया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 2020। तो 22 जनवरी 2020 को सुबह 7 बजे इन्हें फांसी दिया जाएगा। तो 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने इनका डेट वारंट जारी किया है कि 22 जनवरी 2020 को इन्हें फांसी दिया जाएगा। कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 4 लोगों को दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देश भर के किसान और बैंक संगठनों द्वारा किस दिन हड़ताल किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 जनवरी 2020 को। तो देखिए किसान लोग क्या हड़ताल कर रहे हैं, जो नीति है अपनाई गई है किसानों लोग के लिए, उसके विरुद्ध में ये हड़ताल किया जा रहा है। साथ में बैंक संगठनों द्वारा भी हड़ताल किया जा रहा है। इसके अलावा जो श्रमिक संगठन है वो लोग भी हड़ताल कर रहे हैं। तो कब है हड़ताल आपका? 8 जनवरी 2020, मतलब आज के दिन में जो 8 जनवरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नासा के सैटेलाइट टेस्ट ने पृथ्वी के आकार के एक ग्रह की खोज की है, जिसका नाम क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, TOI 700D। तो देखिए जो TOI 700D नाम दिया गया है वो नासा द्वारा दिया गया है, और ये कितनी दूरी पर है? तो ये पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका चौथा प्रश्न है, सरकार ने 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित बताया है। देखिए हमेशा ये अनुमानित रहता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अनुमानित बताया है तो कितना है? तो ऑप्शन सी, 5% बताया है सरकार ने। तो अब सरकार भी मानती है कि भारत की जीडीपी जो है 19-20 के लिए कितना है? 5% है। नीचे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है, इटली के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डेनियल डी रोसी ने अपने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंध रखते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, ये फुटबॉल से संबंध रखते हैं। तो देखिए डेनियल डी रोसी है, वो हाल ही में अर्जेंटीना के टीम से खेल रहे थे, अभी वो वापस इटली जाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने फुटबॉल से अभी संन्यास ले लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 6, फोर्ब्स पत्रिका ने 2020 के दुनिया के टॉप 20 प्रभावशाली लोगों में किन दो भारतीयों को जगह दी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार। तो देखिए ये दोनों कौन है? तो प्रशांत किशोर कौन है? तो ये जेडीयू के नेता है, और जो कन्हैया कुमार है वो कौन है? तो ये है जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 की दिसंबर तिमाही में कितना लाख टन इस्पात उत्पादन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन डी, तो 16.1 लाख टन इन्होंने उत्पादन किया है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने। तो ये इनका सर्वाधिक उत्पादन है, याद रखना इनका सर्वाधिक उत्पादन है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ आपका है कल का प्रश्न। तो कल हमने प्रश्न पूछा था, समर ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, टोक्यो जापान में। तो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, और जैसे कि आप जानते हैं जो आंसर सही आंसर देते हैं उनका नाम हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, तो यहाँ पे है पहला लोकेश देवांगन, दूसरा है सीमा गुप्ता, फिर है धर्मपाल साहू, फिर श्रेया शर्मा, वीरेंद्र कुमार, शाश्वत शर्मा और तरुणी सोनवानी। तो इन सभी ने आंसर क्या दिया है? टोक्यो जापान। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो जापान। तो देखिए टोक्यो जापान में 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच समर ओलंपिक होना है, और बीजिंग में 2022 में होना है विंटर ओलंपिक, और प्योंगचांग की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी ओलंपिक हो चुका है 2018 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो आज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आज का प्रश्न है आपका, झारखंड विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ महतो, चरणदास महंत, नाना पटोले और नर्मदा प्रसाद प्रजापति। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं जो लिखा हुआ है, देख सकते हैं नीचे आप यहाँ।
उत्तर हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो YouTube चैनल क्या है हमारा, स्टडी स्टार्स, तो आपको यही इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर डेली का PDF में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का, वहां आप ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको डेली करंट अफेयर PDF में मिल जाएगा।